दोस्तों, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं और अपने पीएफ का पैसा निकालने की सोच रहे हैं तो अपने पीएफ का पैसा निकालने से पहले ये जरूर जान लें कि आपके पीएफ अकाउंट से निकाले जाने वाले पैसों पर आपको कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने पीएफ अकाउंट से अपने पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो उससे पहले आपको आज की वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ का पैसा निकालते हैं तो किन किन कंडीशंस में आपकी पीएफ विड्रॉवल अमाउंट पर इनकम टैक्स काटा जा सकता है और कितना % टैक्स काटा जा सकता है और ये टैक्स आपके पीएफ विड्रॉवल अमाउंट से ना कटे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अगर आपका पीएफ विड्रॉवल अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है और आपका जॉब सर्विस पीरियड 5 साल से कम है तो आपका 10% टैक्स इनकम टैक्स के रूप में आपकी पीएफ विड्रॉवल अमाउंट से काट लिया जाता है और आपके बैंक अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफर की जाती है वो टीडीएस काटने के बाद जो बैलेंस अमाउंट होती है वो अमाउंट ट्रांसफर की जाती है। और अगर पीएफ विड्रॉवल अप्लाई करते समय आपका पैन नंबर आपके पीएफ अकाउंट के साथ अपडेट नहीं है तो आपके पीएफ विड्रॉवल अमाउंट से 30% तक का टैक्स काटा जा सकता है। और यदि आपका पीएफ विड्रॉवल अमाउंट 50,000 रुपए से कम है या आपका जॉब सर्विस पीरियड 5 साल से ज्यादा है तो आपके पीएफ विड्रॉवल अमाउंट से कोई भी टीडीएस नहीं कटता है। दोस्तों, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आपका पीएफ विड्रॉवल अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है और आपका जॉब सर्विस पीरियड 5 साल से कम भी है तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। जैसे कि आपकी जॉब छोड़ने का कारण आपकी कोई बीमारी हो, या आपकी कंपनी ने बिजनेस बंद कर दिया हो और उसके कारण आपको जॉब छोड़नी पड़े, या ऐसे किसी भी कारण से आपको जॉब छोड़नी पड़े जो आपके कंट्रोल में ना हो, इन कंडीशंस में भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपके पीएफ विड्रॉवल अमाउंट से टीडीएस ना कटे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको पीएफ विड्रॉवल क्लेम अप्लाई करते समय फॉर्म 15G/15H भरकर सबमिट करना होता है। फॉर्म 15/15H एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसमें एक इंडिविजुअल द्वारा यह डिक्लेयर किया जाता है कि उसकी साल की टोटल इनकम पीएफ विड्रॉवल अमाउंट को मिलाकर पर कोई भी इनकम टैक्स पेबल नहीं बनता है। फॉर्म 15G 60 साल से कम उम्र वाले इंडिविजुअल्स के लिए होता है, जबकि फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है जिनकी उम्र 60 साल से अधिक होती है। फॉर्म 15/15H को डाउनलोड करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इस डिक्लेरेशन फॉर्म को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि फॉर्म 15G/15H को कैसे भरा जाता है और ऑनलाइन पीएफ विड्रॉवल क्लेम अप्लाई करते समय इस डिक्लेरेशन फॉर्म को हम कैसे सबमिट करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। इसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है और इसको फिलअप करना है। दोस्तों, फॉर्म 15G डाउनलोड करने के बाद उसको आप मैन्युअली भी फिल कर सकते हैं उसका प्रिंट आउट लेकर के, या फिर आप उसको पीडीएफ फाइल से डॉक्यूमेंट फाइल में कन्वर्ट करके अपने कंप्यूटर से भी फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे फिलअप करके। फॉर्म 15G जब आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको फॉर्म दिखाई देता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका नाम पूछा जाएगा, नेम ऑफ असेसी, यहाँ पे आपको नाम भरना है। उसके बाद आपको अपना पैन नंबर भरना है पैन ऑफ असेसी में। उसके बाद स्टेटस में आपको इंडिविजुअल भरना है। स्टेटस के बाद प्रीवियस ईयर फॉर विच डिक्लेरेशन इज बींग मेड, यानी कि जिस ईयर के लिए आप डिक्लेरेशन फिलअप कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर को यहाँ पे आपको भरना है। सपोज यहाँ पे 2020-21 में डाल देता हूँ। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको भरना है इंडियन। उसके बाद आपको पूरा अपना एड्रेस यहाँ पे डालना है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप करना है। जीमेल आईडी जो भी आपकी है वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है, xyz@gmail.com जो भी आपकी है। सपोज यहाँ पे मैंने xyz ले ली है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका टेलीफोन नंबर या फिर आपका मोबाइल नंबर अगर कुछ है तो यहाँ पे आपको उसको डाल देना है। नेक्स्ट आते हैं वेदर असेस्ड टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसका मतलब है कि अगर आप पिछले सालों में से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपकी इनकम टैक्सेबल बनी है तो उसको यस करेंगे, और नीचे आपको उस फाइनेंशियल ईयर को मेंशन करना है जिस फाइनेंशियल ईयर में आपकी टैक्सेबल इनकम बनी थी। उसके बाद आते हैं एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, यानी कि जिसके लिए आप जिस वैल्यू के लिए आप डिक्लेरेशन ये फाइल कर रहे हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे डालनी है, यानी कि पीएफ अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है जो कि 50,000 से अबो है। तो यहाँ पे मैं 56,000 सपोज यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद 17 नंबर पे आते हैं एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ PY इन विच इनकम मेंशनड इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड, यानी कि आपकी पूरे फाइनेंशियल ईयर में टोटल इनकम कितनी है वो प्लस आपका जो पीएफ का अमाउंट है वो उसका टोटल वैल्यू यहाँ पे आपको डालनी है, यानी कि 56,000 और आपकी जो भी फाइनेंशियल ईयर में इनकम है उसका टोटल आपको यहाँ पे डालना है। सपोज यहाँ पे 2.5 लाख में डाल देता हूँ।
नीचे चलते हैं 18 नंबर पे, डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म इज फिल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर पिछले साल में आपने कोई भी 15G फाइल किया है और कितने 15G फाइल करे हैं उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है। अगर आपने एक फाइल किया है या दो फाइल करे हैं, जितने भी फाइल करें उसकी यहाँ पे काउंटिंग डालनी है और उसकी टोटल वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद चलते हैं 19 पर, डिटेल ऑफ इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज फाइल्ड। यहाँ पे उस इनकम की डिटेल डालनी है जिसके लिए हम यहाँ पे डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं, यानी कि पीएफ अमाउंट के लिए उसकी पीएफ की सारी डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है। सीरियल नंबर 1, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर डालना है। आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक अकाउंट, यानी कि आपको यहाँ पे उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है। सपोज यहाँ पे आपको डालना होगा आपका यूएएन नंबर। नेचर ऑफ इनकम में आपको डालना है प्रोविडेंट फंड। सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल, यहाँ पे डाल देते हैं 192A। अमाउंट ऑफ इनकम में आपको डालना है पीएफ का अमाउंट, जितना आपका पीएफ का अमाउंट है। उसके बाद डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको आईबी के बाद अपना नाम मेंशन करना है। उसके बाद नीचे आपको जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए आप ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं उसकी एंडिंग डेट डालनी है। सपोज 31 मार्च 2021 यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि अगर मैं 31 मार्च 2021 डाल रहा हूँ तो असेसमेंट उसका 2021-22 होगा, तो यहाँ पे 2021-22 हम डाल देते हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे भी आपको डेट सेम डेट डालनी है, उसके आगे जो भी उसका असेसमेंट ईयर है उसका डाल देना है। उसके बाद नीचे चलेंगे, प्लेस और डेट यहाँ पे आपको डाल देनी है। फॉर्म फिलअप करने के बाद इसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है, और प्रिंट आउट लेने के बाद आपको दो जगह साइन करना है, एक यहाँ पर और एक नीचे। दोनों जगह साइन करने के बाद आपको इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आप इसको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं ईपीएफओ की पोर्टल पर जाकर लॉगिन करने के बाद। वो कैसे करेंगे वो भी मैं इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जब भी फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो इसमें दो पेज आपके आते हैं, पार्ट टू आता है, पार्ट टू आपको नहीं भरना है। दोस्तों जब हम ऑनलाइन अपने पीएफ को निकालने के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर लॉगिन करना होता है अपने अकाउंट में। उसके बाद हमें जाना होता है ऑनलाइन सर्विसेज पर और क्लिक करना होता है क्लेम्स पर। हमें यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर वेरीफाई करना होता है। यस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और क्लिक करना है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जो अगला स्क्रीन दिखाई देगा यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है पीएफ विड्रॉवल फॉर्म को। जैसे ही आप फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे नीचे आप देखेंगे अपलोड फॉर्म 15G का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो आपने फॉर्म को फिलअप किया है, फॉर्म 15G को फिलअप किया है, उसको आपको स्कैन कर लेना और यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। और आगे का प्रोसेस आपको पता ही है, जो कि मैंने अपनी अलग से एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है, वहाँ से आपने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि पूरा प्रोसेस आप ऑनलाइन कैसे आप अपने पीएफ विड्रॉल का को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।